आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने के संदर्भ में ज्वाली के एससी एसटी से संबंधित अलग अलग संस्थाओं द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को तहसीलदार विनोद कुमार के जरिए ज्ञापन भेजा। इसमें पूर्व मिनी सचिवालय ग्राउंड में भी एसी समुदाय के लोगों को एकत्रित होकर हिमाचल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है। उनका कहना है कि पहले भी हिमाचल प्रदेश की टीम ने विधायक सुरेश कुमार के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून का ड्राफ्ट बिल तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजा था, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज जो हमने एसडीएम ज्वाली को ज्ञापन दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए है, प्रेषित है, जिसमें कि हमारी मुख्य मांग जो है वो हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि एक्ट बनाने के बारे में है। ऐतिहासिक तौर पर एससी और एसटी के लिए भारत सरकार ने 1980 में बजट प्रावधान किया था उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अलग से, और लगभग सभी स्टेटों ने इसको लागू भी किया था, लेकिन वो बजट जो था वो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो वो कम आया और धीरे धीरे कम होता होता ये 3% तक पहुंच गया है। हिमाचल की विभिन्न सरकारों ने इसको 3% तो पहुँचा दिया, और उसके बावजूद भी वो जो बजट है वो हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बेनिफिट या विकास के लिए कम प्रयोग होता है और वो डाइवर्ट कर दिया जाता है या सरेंडर कर दिया जाता है या दूसरी जनरल स्कीमों में उसका खर्च किया जाता है। तो इसी कड़ी में हमने ये कदम उठाया कि हिमाचल प्रदेश में भी अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि एक्ट जो है वो बनाया जाए। ये एक्ट जो है वो पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका और राजस्थान सरकारों ने बना दिया है, तो हिमाचल प्रदेश में भी हम उसी एक्ट की मांग करते हैं। वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एससी एसटी के लिए एक बजट का प्रावधान किया था। उन्होंने देखा था कि इतनी योजनाएं बनने के बावजूद भी इन लोगों का उत्थान नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बजट के अंदर यह प्रोविज़न किया था। और जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट फिगर का तो पता नहीं, पर यह उसमें मोर देन 20% था। तो उसके विषय में आज हमने माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि ये जो बजट है ये हमारे लोगों के ऊपर खर्च हो। इसकी पिछले अगर हम देखें वर्ष 2018-19 में तो ये जितना बजट था एक तो ये सारा खर्च नहीं हुआ, और जो खर्च हुआ वो भी बहुत कम खर्च हुआ, और जो बाकी रह गया जहाँ तो उसको सरेंडर कर दिया गया या उसको किसी दूसरी योजनाओं में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हमारी ये डिमांड है कि हमारी संख्या बल को देखते हुए इस समय शुरू ट्राइब की जो जनसंख्या है ये मोर देन 30% है, तो उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शनेट जो है बजट का प्रावधान होना चाहिए।